दोस्तों हम सब प्रोडक्टिविटी के ऊपर कई वीडियोस देखते हैं और लोगों से सीखते हैं कि कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करके फुली फोकस्ड रहा जाए, मगर वो सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उन सभी प्रोडक्टिविटी हैक्स को डेली प्रैक्टिकली अप्लाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ऑथर्स जेक नैप एंड जॉन ज़रेट्स्की, जिन्होंने गूगल के कई प्रोडक्ट्स जैसे जीमेल और यूट्यूब को डिजाइन करा है, उन्होंने अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करने की कई सारी थ्योरीज और एडवाइसेस को एक्चुअली में खुद ट्राई करके एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करा है जिसका यूज करके कोई भी अपने टाइम को डेली अच्छे से मैनेज करना सीख सकता है। और अपनी इन सभी लर्निंग्स को जेक नैप और जॉन ज़रेट्स्की अपनी बुक मेक टाइम हाउ टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एवरी डे में हम सबके लिए एक परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट फ्रेमवर्क शेयर किया है, जो कि हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। सो नंबर 1, व्हाई इज लाइफ सो बिजी। अपने टाइम को मैनेज करने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा टाइम स्पेंड कहाँ हो रहा है, हमारी लाइफ हमेशा इतनी बिजी क्यों रहती है। वेल, इसके दो मेन रीजंस हैं, बिजी बैंडवैगन एंड इन्फिनिटी पूल्स। बिजी बैंडवैगन में हम अपने इस बिजी शेड्यूल को एक बैज ऑफ ऑनर की तरह ट्रीट करते हैं, बिजी रहकर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। हम अपनी प्रोडक्टिविटी को दिन के हर एक मिनट में डिवाइड करना चाहते हैं, जहां अगर हम कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे होते हैं तो हम अपना टाइम वेस्ट करने के लिए गिल्टी फील करते हैं। इसीलिए हम बिजी रहना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम अपने काम में बिजी हैं तो ही हम असल मायनों में प्रोडक्टिव हैं। वहीं इन्फिनिटी पूल्स को रेफर करते हुए ऑथर कहते हैं, आजकल जितनी भी एप्स और वेबसाइट्स हैं जहां आपको इनफिनिट नंबर ऑफ कंटेंट देखने को मिलता है जो हमेशा और न्यू होता है, आप स्वाइप करते जाओ और आपको कोई न्यू और एंटरटेनिंग चीज मिलती रहेगी, जो हमारे ब्रेन के लिए एक तरह का इन्फिनिटी पूल क्रिएट कर देता है जिसमें आपको नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट मिल जाता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, और ये चीज आपके ब्रेन को बहुत पसंद होती है। ऑथर इसे डिस्ट्रैक्शन क्रिप्टोनाइट भी कहते हैं। जैसे सुपरमैन को क्रिप्टोनाइट पावरलेस बना देता है, उसी तरह ये एप्स और वेबसाइट्स भी हमें पावरलेस बना देती हैं और हमारी सारी एनर्जी हमसे छीन लेती हैं। तो नोटिस करें तो आपका सारा टाइम तो इन दोनों में ही निकल जाता है, जहां बिजी बैंडवैगन है हमारे सारे एंडलेस टास्क जो कभी खत्म ही नहीं होते, और इन्फिनिटी पूल से हमारे एंडलेस डिस्ट्रैक्शन जिसे तो आप चाहकर भी खत्म नहीं कर सकते। विल पावर कांट सेव यू अलोन। बहुत सारे लोग ऑलमोस्ट सभी अपनी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए विल पावर और एक्सटर्नल मोटिवेशन पर डिपेंडेंट रहते हैं, ऑथर कहते हैं, क्योंकि हमारा ये बिहेवियर अपने आप को बिजी रखना, फिर डिस्ट्रैक्ट होना, एप्स को बार बार यूज करना और फिर बाद में गिल्टी फील करना, ये सभी एक हैबिचुअल लूप का पार्ट बन चुका है जिससे बाहर आने के लिए सिर्फ अपनी विल पावर या मोटिवेशन पर डिपेंडेंट रहना कभी काम नहीं करने वाला। जहां ऑथर कहते हैं, इफ यू फाइट विद हैबिट्स वर्सेस विल पावर देन हैबिट्स गोना विन। इसीलिए आपको अपने माइंड में ये फिक्स करना है कि आपको मोटिवेशन या विल पावर इस लूप से बाहर नहीं निकाल सकती। आप एक दिन सुबह 5 बजे का अलार्म लगा के उठ तो जाओगे, नेक्स्ट डे भी उठ जाओगे, बट तीसरे दिन आपकी सारी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी और आपकी विल पावर भी कमजोर पड़ जाएगी और आप अपनी पुरानी हैबिट में वापस आ जाओगे। इसीलिए ऑथर ने एक सिंपल 4-पार्ट फ्रेमवर्क रेडी करा है, जहां आप इन 4 सिंपल स्टेप्स को डेली रिपीट करके अपने टाइम का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हो। नंबर 3, स्टेप 1, हाईलाइट। इस बिजी और डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में जहां माइंडलेसली जीते जा रहे हैं, जिस वर्ल्ड में ऐसा लगता है कि हम ही सारे डिसीजंस ले रहे हैं, बट रियलिटी में हमारी हैबिट्स और बिहेवियर पैटर्न्स हमारे लिए एक्शंस ले रहे होते हैं। आप खुद ही सोचो, हर दिन में आप ऐसे कितने काम करते हो जो आपने एक्चुअल में प्लान करे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर घंटों स्क्रॉल करना, अपना टाइम वेस्ट करना, क्या आप ये सब प्लान करते हो? नहीं ना। इसीलिए ऑथर कहते हैं, हम अपनी मेजॉरिटी लाइफ को अनइंटेंशनली जी रहे हैं, जिसे ठीक करने के लिए हमें इसका ऑपोजिट करना होगा, हमें इंटेंशनली जीना स्टार्ट करना होगा, जहां आप जो भी कर रहे हो वो कॉन्शियस डिसीजन लेकर कर रहे हो, सिर्फ अपनी हैबिट से नहीं कर रहे, जिसे आप अपने उस दिन का पीक पॉइंट मानोगे। ये वो काम होगा जिसे आपने सुबह उठकर डिसाइड करा कि आज आपको ये करना है, और रात को सोने से पहले आप इस सेटिस्फेक्शन से सो पाओ कि आपने वो काम करा जो आपके उस दिन की हाईलाइट बन जाएगा। अब हाईलाइट में कुछ भी हो सकता है, अपना कोई काम फिनिश करना, एक बुक रीड करना, वॉक पर जाना, एक्सरसाइज करना, वर्क स्टडी, कुछ भी। आप दिन में नो डाउट बहुत काम करोगे, बट ये वो इम्पोर्टेंट टास्क होगा जिसके लिए आपको टाइम निकालना ही है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने नेक्स्ट डे का शेड्यूल बना रहे हो या नहीं भी बना रहे, आप ये डिसाइड करते हो कि कल आपको 1 घंटा स्टडी करना है, और स्टडी करना आपके उस दिन की मेन हाईलाइट होगी, तो आप बाकी दिन में चाहे जितना भी टाइम वेस्ट कर दो, वो हाईलाइट आपको नेक्स्ट डे के लिए मोटिवेटेड रखेगी, और धीरे धीरे आप नए हाईलाइट्स अपनी लाइफ में ऐड करते जाओगे और आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। स्टेप 2, लेजर। ये मेक श्योर करने के लिए कि आप अपने डेली हाईलाइटेड टास्क पर फोकस्ड कर पाए, इसके लिए आपको अपने लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जहां आप बिना बिजी या डिस्ट्रैक्टेड हुए उस काम को अच्छे से कर पाए। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आपको हर दिन 24 आवर्स फोकस्ड रहने की जरूरत नहीं है,
आप एक दिन में खुद को चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए कई सारे टास्क में बिजी होकर अपने दिमाग को एग्जॉस्ट करने से अच्छा है कि आप सिर्फ अपने एक हाईलाइटेड टास्क को चूज करें और उस टास्क के लिए 60 या 90 मिनट सेपरेट करके रख दें। अब आपका गोल यह है कि आपको पूरे दिन में सिर्फ इन 60 से 90 मिनट्स के लिए अपने आप को फोकस्ड रखना है, जिसके लिए आप अपने फोन से सारे डिस्ट्रैक्टिंग एप्स को डिलीट कर दो। ऐसा नहीं है कि आप इन एप्स को हमेशा के लिए डिलीट कर रहे हो, अब आप इन्हें यूज नहीं करोगे। इन हैबिट से फ्री होना इतना इजी नहीं है, इसीलिए बस ये सोचकर डिलीट कर दो कि बस कुछ देर के लिए डिलीट कर रहा हूं, जिसे आप अपना काम करने के बाद वापस इंस्टॉल कर लोगे। इससे आपका ब्रेन रेजिस्ट भी नहीं करेगा। इसी तरह आपके डिस्ट्रैक्शन के जितने भी सोर्स हैं, उन्हें एलिमिनेट कर दो बस कुछ घंटों के लिए और अपने काम को लेजर फोकस के साथ कंप्लीट करो। स्टेप 3, एनर्जाइज। आज के टाइम पर हम ह्यूमंस अपनी बॉडी और माइंड को अलग अलग तरह ट्रीट करते हैं। जहाँ एक्सरसाइज और फूड सिर्फ हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, वहीं प्रोडक्टिव रहने के लिए हमें अपने माइंड का यूज करना होता है। इसीलिए हम कई मेंटल हैक्स को ढूंढते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, बट होता यह है कि हमारी बॉडी ही हमारे माइंड के साथ कनेक्ट नहीं कर पाती। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हो, आप डिसाइड करते हैं कि अब से आप सुबह जल्दी उठेंगे और वॉक पर जाएंगे। इतना मोटिवेटेड रहने के बाद भी आप लेट नाइट सोते हो और सुबह 5 बजे का अलार्म लगाकर ये एक्सपेक्ट करते हो कि आप मैजिकली सुबह 5 बजे उठ जाएंगे। जहाँ आप उठना तो चाहते हो, आपका माइंड मोटिवेटेड है, बट आपकी बॉडी की नेचुरल जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है क्योंकि आप अच्छे से सोए ही नहीं हो। इसी तरह ऑथर कहते हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी प्रोडक्टिविटी को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, बट हम उसे अपने माइंड से कनेक्ट करते ही नहीं है और सिर्फ अपनी बॉडी तक लिमिटेड रखते हैं। ऑथर कहते हैं, आज के टाइम में लोग प्रोडक्टिव रहने के लिए कितना कुछ करते हैं, नई नई बुक्स पढ़ते हैं, टेक्निक्स यूज करते हैं, कई एप्स ट्राई करते हैं, जबकि सबसे बेस्ट और सिंपल वे है एक अच्छी डाइट फॉलो करो, टाइम पर सो, एक्सरसाइज करो, तो आपको कभी प्रोडक्टिव रहने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इसीलिए अपनी बॉडी की नीड्स को पूरा करो, क्योंकि आपकी बॉडी और माइंड एक ही है। अगर आप अपनी बॉडी की अच्छे से केयर नहीं कर पाओगे तो आप चाहे कितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, आप खुद को चेंज नहीं कर सकते। स्टेप 4, रिफ्लेक्ट। नाउ ये तीनों स्टेप्स का यूज करके आप अपनी लाइफ में क्या चेंज ला रहे हो, इसे मेजर करना बहुत जरूरी है, वरना आप जो भी कर रहे हो वो बिल्कुल पॉइंटलेस है। अगर आप उसे रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं और ये नहीं देखते कि जो आप सीख कर अप्लाई कर रहे हो वो आपके लिए काम कर भी रहा है या नहीं। इसीलिए ऑथर कहते हैं, अपने डे को एंड करने से पहले एक बार उस दिन के हाईलाइट के बारे में लिखो कि आज आपने क्या करा जो आपके लिए सबसे ज्यादा मेमोरेबल है, आप उसमें कितना सक्सेसफुल हुए, आपने किन टैक्टिक्स का यूज करा, क्या काम करा क्या नहीं, और आप उसमें क्या चेंज कर सकते हो। और लास्टली अपने दिन के फोकस और एनर्जी लेवल्स को 1 से 10 के स्केल में रेट करो। नाउ हम आपको बोल तो रहे हैं कि ये करो वो करो, बट हमें पता है कि आपके लिए इसे एक्चुअल में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हर दिन अपने हाईलाइट को सेट करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का टाइम लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठे और आपने डिसाइड करा कि आज मैं 1 घंटा बुक पढ़ूंगा और ये मेरे दिन की हाईलाइट है। नेक्स्ट, इसे सेट करने के लिए आपने एक फिक्स टाइम सेट करा, उस टाइम सारी डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करा और कई टैक्टिक्स का यूज करा। देन शाम को सोने से पहले आपने अपने दिन को रिव्यू करा और देखा कि क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ और आप कैसे उसे इम्प्रूव कर सकते हो। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेंगे और 2 मिनट रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम टाइम लेता है तो आपको उसे इमीडिएटली बिना ज्यादा सोचे जल्दी से करके फिनिश कर देना चाहिए। और बस हर दिन अपनी पूरी लाइफ में इस एक चेंज को लाने से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को जरूर सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।